हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है और उसके इंस्टाग्राम पे जो है कुछ बग हो रहा है। बार बार उसके डिस्प्ले पे एक ही मैसेज शो हो रहा था, कुड नॉट रिफ्रेश फीड। तो कैसे मैंने उसको फिक्स किया था उस वीडियो में मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और कुछ लोगों ने बोला भाई मेरा हो गया और कुछ लोगों ने बोला भाई मेरा नहीं हुआ। तो ये जो मेरा फ्रेंड है ना, इससे पहले भी उसका सेम प्रॉब्लम हो चुका है। तो उस टाइम भी मैंने ही उसको फिक्स करके दिया था, लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। लेकिन उस टाइम जो मैंने फिक्स किया था, तो कैसे मैंने उसको फिक्स किया था पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। अगर इस प्रोसेस से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर नहीं होता है फिर भी कमेंट करके बताना, तब तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है। वो क्या है वो तो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट चलो सबसे पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम ऐप से जो है अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। कैसे करोगे? तो सिंपली से इंस्टाग्राम ओपन करो एंड यहाँ पे देखो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, इस पर आ जाओ। एंड ऊपर में देखो तीन लाइन दिख रहा है, इस पर आ जाओ। एंड यहाँ पे जो सेटिंग्स है इसके अंदर आ जाओ। एंड सबसे लास्ट में देखो एक ऑप्शन है लॉग आउट का, तो यहाँ पे जो है आपने अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? तो सिंपली से अपने इंस्टाग्राम का कैश फाइल क्लियर करना है। कैसे करोगे? तो सिंपली से अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाओ। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में देखो एक ऑप्शन दिख रहा है ऐप मैनेजमेंट का। हो सकता है कि आपके फोन में कुछ और नाम से दिख रहा हो, ऐप्स के नाम से दिख रहा हो, तो इसी के अंदर आ जाना है। और यहाँ पे देखो ऐप लिस्ट दिख रहा है, इसके अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे आपके फोन का सारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है इंस्टाग्राम को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इंस्टाग्राम और सिंपली से इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो पहला जो एक ऑप्शन मिल रहा है स्टोरेज यूजेस का, इसके अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे ध्यान दो, दो चीजें हैं, क्लियर डेटा और दूसरा है क्लियर कैच। तो क्लियर डेटा मत करना वरना सारा डेटा उड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर कैच ही करना है। इससे क्या होता है, जो टेम्प्रेरी फाइल होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे जो है क्लियर कैच कर दिया है, अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब क्या करना है आपको, अपने ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है? और यहाँ पे गूगल में सर्च करना है इंस्टाग्राम। तो आपके फोन में इंस्टाग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एप्लीकेशन पे, बट हमें एप्लीकेशन पे नहीं जाना है, हमें जो है ब्राउजर से लॉगिन करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ से जो है डेस्कटॉप मोड को इनेबल करना होगा। कैसे करोगे? तो सिंपली से देखो ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा है, इसके अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, जैसे ही इसको इनेबल करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे जो है डेस्कटॉप मोड जो है इनेबल हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम का जो वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है जिस अकाउंट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो मैं उस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और मैं यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। तो अब जो है एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर लो, उससे क्या होगा कि जो छोटा मोटा टेम्प्रेरी फाइल्स है वो भी सेट हो जाएगा, है ना? तो रीस्टार्ट करने के बाद अब क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम ऐप में जो है उसी अकाउंट को लॉगिन कर लो। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करो एंड यहाँ पे लॉगिन कर लो। तो देख सकते हो कि मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मेरा अकाउंट भी लॉगिन हो चुका है। तो इसी तरीके से आपका भी लॉगिन होगा। अगर इस मेथड को फॉलो करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, इंजॉय करो। ओके, और कमेंट करके बताना जरूर। और अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि एक ऑप्शन बचता है आपके लिए, वो क्या करना है? तो सिंपली से आप इंस्टाग्राम टीम को जो है रिपोर्ट कर दो, ठीक है? अब रिपोर्ट करोगे तो वो खुद जो है इसको मैनुअली चेक करेंगे कि आपके इंस्टाग्राम पे क्या प्रॉब्लम है और वो जो है खुद ही इसको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर रिपोर्ट के ऊपर जानना है आपको कि रिपोर्ट कैसे करते हैं इसका पूरा डिटेल में, तो नीचे कमेंट कर देना, आपके ऊपर जो है पूरा अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर हो सके तो आपके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊं। और हाँ, यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।